टिमरनी नगर के छिंदगांव रोड पर एक किराना व्यापारी के तेल गोडाउन पर प्रशासन के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें कई अनियमितता पाई गई, जिस पर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई व जांच के लिए सैंपल लिए गए। एसडीएम महेश बमना ने बताया कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध के तहत तेल व्यापारी रूपेश अग्रवाल के गोडाउन पर नायब तहसीलदार संदीप गौर, आरआई ठाकुर पटवारी, लादूराम धुर्वे टीआई, राजेश शाह फूड इंस्पेक्टर आपूर्ति पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी लोवंसी की संयुक्त टीम के द्वारा अचानक गोडाउन पर छापा मार कार्रवाई की गई, जिसमें बिना फर्म का नाम लिखे गोडाउन में तेल की पैकिंग कर बेचा जा रहा था। वहीं जिस गोडाउन से तेल व किराने का व्यापार किया जा रहा था, उस गोडाउन का भवन भी कमर्शियल टैक्स दिए बिना ही संचालित किया जा रहा था, जिसमें राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा। और वहीं गोडाउन से आरजी गोल्ड व संपन्न नाम से ब्रांड से तेल पैक कर बेचा जा रहा था, जिसमें आरजी गोल्ड नाम से जो ब्रांड था उसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं था। आरजी गोल्ड ब्रांड का 450 लीटर तेल जब्त किया गया। वहीं गोडाउन में तेल की पैकिंग का कार्य अमानक तरीके से किया जा रहा था, जिसका खाद्य विभाग के द्वारा तेलों का सैंपल लिया गया। गोडाउन में तेल के कई पैकेट मिले हैं, जिसमें एमआरपी व मैन्युफैक्चरिंग व लॉट नंबर नहीं लिखे थे, जिसे भी अधिकारियों ने जब्त कर पंचनामा बनाया है। जिसे गोडाउन से तेल की पैकेजिंग करके बेचा जा रहा था। उक्त गोडाउन पर पूर्व में कार्यवाही कर प्रकरण बना था, जिसमें एडीएम से 15,000 का जुर्माना किया गया था। सूत्रों के अनुसार विगत 3 वर्षों से वहां पर कच्चे तेल को पैक करके बेचने का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन खाद्य अधिकारी के द्वारा कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। वहीं इतनी बड़ी अनियमितता होने के बाद भी किसी भी विभाग को सूचित कर कार्रवाई करने को लेकर कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था। जब अचानक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने छापा मार कार्रवाई की, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने खाद्य अधिकारी जेपी लोवंसी को फटकार भी लगाई कि जब इतना बड़ा कारोबार शासन की आंखों में धूल झोंककर शासन के राजस्व का नुकसान किया जा रहा था, तो फिर कार्रवाई कर दूसरे विभागों को सूचित क्यों नहीं किया गया। जो कार्रवाई हुई तेल को लेकर टिमरनी में, क्या कमी पाई गई, क्या कारण? उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अनियमितताएं पाई गई, उसके पास लाइसेंस भी नहीं मिला जिसके नाम से वो तेल ब्रांडिंग करके बेच रहा है, और उसमें जो पाउच पाए गए उसमें ना एमआरपी लिखे है, ना डेट लिखी है, ना वेट सही है, इस कारण उस पर कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई सर की जा रही है? उसका जब्ती नामा बना लिया है, प्रकरण बना के एडीएम कोर्ट में पेश करेंगे, उसमें फूड एंड सेफ्टी वाले और वो खाद्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग की पूरी टीम थी, संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। असल तो सर नगर में तो सालों से चल रहा था ये। नहीं, मेरे संज्ञान में तो अभी आया 2-3 दिन पहले, तो मैंने आज पूरी टीम इकट्ठी करी और गोपनीय रूप से छापेमारी करी है, और 1-2 दुकानों पे और छापेमारी करना है जी। मुझे तो संज्ञान में अभी आया, तो मैंने कार्रवाई करी। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी क्या? बिल्कुल आगे कार्रवाई रहेगी, और सभी को सचेत किया जाता है कि शुद्ध युद्ध के लिए शुद्ध चालू हुआ है, तो इस पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।